हेलो नमस्ते और आपका स्वागत है ट्विन फ्लेम प्रोफाइल 11 पे। मैं हूँ चिरश्री एंड दिस विल बी द एनर्जी चेक इन फॉर 17th of August 2020। सो वेयर एग्जैक्टली इज कलेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? कलेक्टिव इस वक्त एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे पूरे तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हो चुके हैं, जहाँ पे पूरे तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए गॉड हैज मेड इट एविडेंट फॉर द कलेक्टिव दैट दिस इज अ गॉड्स पाथ। पूरे तरीके से डिवाइन फेमिनाइंस समझ रहे हैं कि एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। पूरे तरीके से डिवाइन फेमिनाइन को ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग हो रहे है कि एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। एज यू ऑल नो दैट हमारे वीकली और वीकेंड क्लासेस होते हैं, ग्रुप क्लासेस। लाइक आई हैव स्टॉप्ड गिवन 1:1 सर्विसेस। राइट नाउ आई ओनली हैव ग्रुप क्लासेस वीकली, विच इज लाइक 5 days अ वीक और ओनली ऑन द वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज। आज क्लास में वी वर वर्किंग थ्रू द एनर्जी ऑफ द कलेक्टिव और एज वी वर फ्लोइंग सडनली देयर वाज अ पॉइंट वेयर लिटरली आई कुड फील लाइक द एनर्जी विद इन द एसेंस ऑफ माय बीइंग लिटरली टुक ओवर। लिटरली मैं फ्लो कर रही थी अपने अंदर के एसेंस की आवाज में, अपने अंदर के एसेंस के उस वाइब्रेशनल एनर्जी में मैं पूरे तरीके से फ्लो करने लग गई। एंड एज आई स्टार्टेड टू फ्लो, पूरे तरीके से चीजें इसी मोमेंट के साथ अलाइनमेंट में फॉल इन द प्लेस कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज लिटरली फॉलिंग इन प्लेस फॉर द मास कलेक्टिव। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कुड लाइक लिटरली गेट दैट एनर्जी, और वही एनर्जी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए इस वक्त है। डिवाइन फेमिनाइंस के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी उनके आपके डिवाइन फेमिनाइंस के आपके जो फॉर्चून है, आपके जो पैसे है, जो आपके लिटरली आपको लग रहा है कि योर फॉर्चून, योर ग्रेट वेल्थ, व्हाट वाज मेंट फॉर यू वाज लिटरली स्टोलन, जहाँ पे भी ये वाला एनर्जी है कि आपके कुछ थे जो किसी ने चुरा लिया है, कपाल के स्लेवरी के वजह से आपके कोई एनर्जी चला गया है, वो वाले एनर्जी वापस से रिस्टोर्ड हो रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस में। और ये वापस से रिस्टोरेशन के बाद फाइनल डिवाइन फेमिनाइन एक मच्योर से स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे, एक मच्योर से स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में आ रहे, जहां पे अंदर की रियालिटी और बाहर की रियालिटी एक है समझते हुए अंदर जाते हुए अपने बीइंग को एम्बॉडी करने के लिए मटेरियलिस्टिक प्लेजर से छुटकारा पाते हुए, मटेरियलिस्टिक प्लेजर से डिवाइन फेमिनाइंस जो इस वक्त सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जब डिवाइन फेमिनाइंस मटेरियलिस्टिक प्लेजर वगैरह से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज लीडिंग द डिवाइन मैस्कुलाइन ऑल्सो गो थ्रू वेरियस चेंजेस। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन एक रिनाउंसिएशन के फेज में जाने वाले हैं, जहां पे लिटरली उनको लगेगा कि उनको चीट किया गया है। लोग उनकी जिंदगी में थे, उनके पैसे के वजह से, उनके सक्सेस के वजह से, वो क्या दे सकता है फिनेंशियली, मटेरियली, ये सारे चीजों के वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन को धीरे धीरे लगने लगेगा। एक्चुअली लगना शुरू हो चुका है इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन को, यही लग रहा है कि सब मुझे बिट्रे कर रहे, सब मुझसे कुछ लेना चाहते हैं, सब है मेरे लाइफ में क्योंकि सबको मुझसे कुछ चाहिए, सबको मुझसे कुछ लेना है, सबको मुझसे कुछ छीन के ले जाना है, ये वाले फीलिंग डिवाइन मैस्कुलाइन को इस वक्त हो रहे है। और ये फीलिंग डिवाइन मैस्कुलाइन के हो रहे है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन को कोई छीन के लेके जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब भगवान के साथ वननेस में आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिवाइन फेमिनाइन जब अंदर के एनर्जी में पूरे तरीके से होल होते हुए अंदर के रिफ्लेक्शन में फोकस कर रहे हैं,
ऑटोमेटिकली एक मच्योर सैनिटी डिवाइन फेमिनाइन के राइज हो रहे, विच इज अलाउिंग अ न्यू वाइब्रेशनल टाइमलाइन टू ओपन. शायद ये टाइमलाइन आपके बहुत आगे जाके खोलने के पॉसिबिलिटी थे, शायद बहुत साल बाद खोलने के पॉसिबिलिटी थे वो टाइमलाइन, लेकिन वो टाइमलाइन आपके लिए आगे खोल रहे हैं बिकॉज आपने निर्वोक किया है. और देयर इज नो टाइम, टाइम इज लीनियर, इट इज ऑल हैपनिंग हियर एंड नाउ. And at this point of time, divine feminines are going to be restored with great wealth, and it is the time for a transcendental new shift and a new beginning for divine feminines. और divine masculine betrayal वाले energy में आते हुए पूरे तरीके से टूट जाएंगे, और टूट जाने के बाद divine masculine के वो energy शुरू होंगे कि कैसे divine feminine के पास आओ, डिवाइन फेमिनाइंस के पास आके बात करूं. उस डिवाइन मैस्कुलाइंस आर फीलिंग लाइक रियली रियली बैड, रियली रियली पेनफुल. और डिवाइन फेमिनाइंस के मच्योरिटी एसेंस के वजह से डिवाइन फेमिनाइंस जो एंकरिंग करते हुए अपने विजडम के साथ, जो स्टेट ऑफ अलाइनमेंट में भगवान के साथ वननेस में इस वक्त डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी है, वो वननेस जितना आप इंटीग्रेट करते रहेंगे, जितना आप भगवान के साथ वननेस में फ्लो करते जाएंगे, ये समझते हुए कि गॉड इज ऑल दैट इज. हमारे ईगो को लगता है कि ये चीज हम करें, वो चीज हम करें, लेकिन कोई भी चीज हम कोई नहीं कर रहे, ये सारी चीज भगवान कर रहे. अब जो ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझसे जो मैसेजेस फ्लो कर रहे, वो मैसेज मैं बस एक इंस्ट्रूमेंट के नाते मैं बस ये मैसेजेस कह रही हूँ, इट्स एक्चुअली गॉड स्पीकिंग थ्रू मी. भगवान हर एक चीज करे, हर एक सिचुएशन लिखा हुआ है वैसे ही हो रहे जैसे लिखा हुआ है, उसी स्क्रिप्ट में, उसी ऑर्डर में, उसी प्रोसेस में थिंग्स आर फॉलिंग इन द प्लेस, एंड इट्स बियॉन्ड आर माइंड बॉडी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज ऑल दैट इज, इट इज द एसेंस ऑफ योर बींग. जब आप कहते हैं कि आई एम हियर, लाइक आई एम 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 करके जो जगह पे जो वाइब्रेशन आते, वो आम दैट एग्जिस्टेंस दैट आम इज, दैट इज वाई यू आर वट एवर यू आर. और वही समझ रखते हुए बहुत सारे लेयर जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सारे लेयर्स को रिलीज करते हुए पूरे तरीके से फाइनली कलेक्टिव is coming to a state of magnificent timeline, jiske baad completely God is going to take over it completely. God has already taken over it, divine justice has already intervened today. Aur is waqt jo energy flow ho rahe, jo bhi kuch ho rahe, bhagwan ki energy ki wajah se ho rahe, and God wants to tell us. Let's see what God wants to tell us actually. I'm not gonna see, so I'm doing it with one hand, so I'm just closing my eyes and just doing this. So okay, there is some card that fell. Okay, wow. I am entitled to miracles. I swear, maine ye card nahi dekha hai. I was like, my eyes were closed when I was doing that. I just opened my eyes and I read this. I am entitled to miracles. You're entitled to miracles because of what you are. You will receive miracles because of what God is, and you will offer miracles because you are one with God. I am really speechless after this. Definitely at this point of time we are entering a great shift altogether, and it's definitely the time for divine intervention to shuffle in. Thank you and love and light to you. If you would like to be a part of our weekly or weekend spiritual studies and research and healing and coaching group session, you can contact me. I'll give you all the details. Thank you.
थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू ऑल. नमस्ते.